प्रदेश सरकार की तमाम सामाजिक सरोकार के विपरीत आज भी आम व्यक्ति को सुरक्षा एवं न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा का रामपुर गांव की, जहां एक परिवार है जिसकी जमीन व घर पर तीन सदस्यों के लिए शौचालय ही निर्मित हुआ है, ना कोई रसोई घर है। ये परिवार पिछले 32 वर्षों से बिना शौचालय के रहने पर मजबूर है। इस परिवार ने जिला प्रशासन एवं सरकार से अपनी जान का खतरा देखते हुए सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। यहाँ पर अमरजीत भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनके परिवार ने रामपुर गांव में चतुर सिंह नाम के एक व्यक्ति से 6 बीघा जमीन खरीदी थी, जिस पर उन्होंने 1 बीघा पर मकान बनाया था और 5 बीघा जमीन शेष है, लेकिन घर के साथ लगती जमीन पर पिछले काफी समय से कुछ लोग बिना निशानदेही करवाए उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों ने उनका शौचालय व रसोई घर का काम तक जबरदस्ती बंद करवा रखा है। वे पिछले 32 वर्षों से बिना शौचालय के रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग उनकी माँ व परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते हैं, जिसके कारण उनका घर में रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने इस संबंध में 1 माह पहले SP ऑफिस के बाहर भी धरना दिया था। उसके बाद पुलिस मौके पर गई और 6-7 बार शिकायत भी की, फिर भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा व उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वे अपने घर पर ही भूख हड़ताल करने पर बैठ जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कि मेरे परिवार पे हो रहे अत्याचारों का को देखे, जिससे कि मेरे परिवार भी सुखी जीवन व्यतीत कर सके। और आज भी इतने वर्षों के बाद मेरा परिवार बिना, मेरी माँ बहन बेटी बिना शौचालय के अपना जीवन व्यतीत कर रही है, रसोई घर के बिना जीवन व्यतीत कर रही है। और ये लोग उसी जमीन पे जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी करके उसी जमीन को दबा रहे हैं। ये राकेश कुमार हरलोक से, हरलोक में हार्डवेयर की दुकान करता है, सीता देवी आशा वर्कर और एक रोशन लाल, इन लोगों की आए दिन इतनी जास्तियां बढ़ गई कि इन लोगों के अत्याचारों से मेरा परिवार दुखी हो गया है। अतः मैं बार बार सरकार और प्रशासन के पास भी जा चुका हूँ। अगर इन लोगों के अत्याचार इसी तरह से बढ़ते रहे तो मेरे पास अपने परिवार घर में अपने परिवार को साथ में लेकर मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। फिर चाहे मेरा परिवार खत्म हो या कुछ हो, भी सरकार और प्रशासन जो भी करना चाहे करती रहे, अगर मेरे परिवार के जिंदा रहते मुझे न्याय नहीं दिला सकते तो मेरे पास अंतिम हथियार यही होगा, अपने परिवार को साथ में लेकर भूख हड़ताल में मैं अपने घर में बैठ जाऊंगा। और इन लोगों के अत्याचारों को अगर सरकार नहीं रोक सकती है तो मेरे पास अंतिम हथियार यही होगा कि मैं अपने परिवार को लेके भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँ। मैं अमरजीत रघुनाथपुरा पंचायत का स्थायी निवासी हूँ, गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। आज 32 साल से मेरा परिवार लोगों, मेरे गांव के कुछ लोगों के द्वारा जो अत्याचार मेरे परिवार को सहन करने पड़ रहे हैं, मैं आज उन सब बातों को लेके आप सबके सामने आया हूँ। 32 सालों से मेरी माँ बहन बेटी आज भी बिना शौचालय के अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और आए दिन लोगों की प्रताड़ना, लोगों के द्वारा डराना धमकाना और रात रात को गुंडागर्दी करके हमारी जमीनों पे कब्जा करना, जिससे मेरा परिवार आज तंग हो चुका है। अतः मैंने कई बार प्रशासन पुलिस के 6-7 बार मैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस में गया और मैंने उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायतें की, लेकिन पुलिस का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और उन लोगों ने रात दिन हमें जीना मुश्किल कर दिया है, जिससे मेरा परिवार बहुत दुखी है। मैंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन बहुत दे दी, इसके बाद मैं आप लोगों के सामने आया, इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर उन लोगों के अत्याचार मेरे परिवार के प्रति खत्म नहीं हुए तो मैं अब अपने ही घर में अपने परिवार को साथ में लेकर भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा और अपने परिवार की अंतिम व्यक्ति की लाश गिरने तक मैं सरकार, प्रशासन और किसी को अपने पास नहीं आने दूंगा। इसलिए मैंने बार बार प्रशासन के पास जाकर अपने परिवार की व्यवस्था सुनाई है। मेरे परिवार पर आए दिन परिवार के ऊपर, भाई के ऊपर, पत्नी के ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाए जाते हैं
और रात को गुंडे आते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, हम घर से बाहर, हमारा जाना मुश्किल हो गया है। तो मेरा प्रशासन और सरकार से यही विनम्र प्रार्थना है कि मेरे परिवार का संरक्षण करें, और जो मेरी जमीन की निशानदेही के लिए अप्लाई किया हुआ है उसका भी मतलब जल्दी से जल्दी सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि मैं बहुत बार जा चुका, उसकी निशानदेही करवाने की कृपा करें, क्योंकि इन लोगों के अत्याचार से मेरा परिवार बहुत दुखी हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि अगर सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर सकते हैं उस जमीन पे जिसपे मेरा घर बार है, सब कुछ है, उस जमीन पे मेरे परिवार का संरक्षण नहीं कर सकते, तो मैं अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पे बैठूंगा। इसके बाद अगर उन लोगों ने दोबारा मेरे परिवार को डराया, धमकाया या किसी के साथ मार कुटाई की, तो मैं अपने परिवार को के साथ भूख हड़ताल में बैठकर अंतिम व्यक्ति की लाश गिरने तक मैं किसी को अपने पास नहीं आने दूंगा। उसके बाद वो लोग जमीनों पे कब्जा करते रहे, सरकार बैठी रहे, प्रशासन भी बैठा रहे, हम अपने परिवार का वो कर लेंगे।